नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे, मैं आपके साथ निकिता शर्मा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी और इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति की इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटरपिलर वेंचर यूके लिमिटेड बंद होगी। ब्रिटेन के कंपनी हाउस को भेजे एक पत्र में कंपनी ने यह जानकारी दी है कि अक्षता के इस वेंचर की वैल्यू करीब 59 करोड़ पाउंड मतलब कि करीब 6,000 करोड़ रुपए थी। ये निवेश फर्म 8,320 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति को हैंडल करती है। वहीं अक्षता ने साल 2013 में इसकी स्थापना की थी। आपको बता दें, ऋषि सुनक भी इस कंपनी के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल थे। सुनक ने साल 2015 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कैटामरान वेंचर्स के सभी निवेश सफल नहीं रहे। वहीं कैटामरान वेंचर ने एडटेक स्टार्टअप मिसेज वर्ल्ड स्मिथ में निवेश किया था, जो आगे चलकर बंद हो गए। इसके अलावा कैटामरान के निवेश वाली फर्नीचर कंपनी न्यू क्राफ्ट्समैन को ब्रिटिश सरकार से कुछ लाभ मिला था, जिसके बाद इसे लेकर विवाद उठा था। कैटामरान की हिस्सेदारी वाली शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म स्टडी हॉल को पिछले साल सरकारी संस्था इनोवेट यूके से 3.5 लाख पाउंड का अनुदान मिलने पर विपक्षी दल लेबर पार्टी ने सवाल उठाए थे। वहीं कंपनी के दिसंबर साल 2022 में समाप्त हुए साल से जुड़े हुए वित्तीय कागजात हाल ही में सार्वजनिक हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कंपनी की इकलौती डायरेक्टर के तौर पर अक्षता मूर्ति ने अब इस कंपनी को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी हाउस को भेजे पत्र में कहा गया है कि बीते साल ही डायरेक्टर ने कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया था। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षता के पास इंफोसिस में 91% हिस्सेदारी है। इसी के चलते उन्हें हर साल एक भारी राशि डिविडेंड के तौर पर मिलती है। आपको बता दें, इसी राशि से अक्षता ने कैटामरान वेंचर्स की स्थापना की थी। साल 2022 में कंपनी की निवेश का मूल 38 लाख पाउंड से थोड़ा अधिक रहा, जो साल 2021 के 35 लाख पाउंड से ज्यादा है। अक्षता मूर्ति का कंपनी पर 46 लाख पाउंड से ज्यादा बकाया है। सुनक दंपति की कुल नेटवर्थ करीब $800 मिलियन यानी 6,773 करोड़ है। वहीं आपको बता दें, संपत्ति के मामले में अक्षता न्यायमूर्ति अपने पति ऋषि सुनक से आगे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक अक्षता न्यायमूर्ति की कुल संपत्ति 5,943 करोड़ रुपए, ऋषि सुनक की 990 करोड़ रुपए है। इसी के साथ आपको बताते, ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनकी मां का नाम उषा सुनक है और उनके पिता का नाम यशवीर सुनक है। आपको बता दें, ऋषि सुनक 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके दादा दादी पंजाब में रहने वाले थे। साल 1960 में वह अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए थे। बाद में यहीं से उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। तब से सुनक का पूरा परिवार इंग्लैंड में ही रहता है। ऋषि ने भारत के बड़े उद्योगपतियों में शुमार इंफोसिस के संस्थापक न्यायमूर्ति की बेटी अक्षता के साथ शादी की है। सुनक और अक्षता की 2 बेटियां हैं। उनकी बेटियों के नाम अनुष्का सुनक और कृष्ण सुनक है। ऋषि सुनक की शुरुआती पढ़ाई इंग्लैंड के वेंचेस्टर कॉलेज से हुई। आपको बता दें, उन्होंने आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से की है। साल 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की। इसी के साथ ही आपको बता दें, ऋषि सुनक की अक्षता मूर्ति से मुलाकात एमबीए की पढ़ाई के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। अक्षता इंफोसिस के संस्थापक एन न्यायमूर्ति और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा न्यायमूर्ति की बेटी है। पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। साल 2009 में दोनों की शादी बेंगलुरु में भारतीय रीति रिवाज से हुई। अक्षता इंग्लैंड में अपना फैशन ब्रांड भी चलाती है। आज की तारीख में वह इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। सुनक दंपति की 2 बेटियां कृष्ण और अनुष्का हैं। ऋषि सुनक ने साल 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। वहीं साल 2015 में उन्होंने रिचमंड से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर जीत मिली। इसके बाद 13 फरवरी साल 2020 को उन्हें इंग्लैंड का वित्त मंत्री बनाया गया। इसी साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर तमाम तरह के आरोप लगे, तो ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लगातार जॉनसन कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री के लिए चुनाव शुरू हुए। इसमें ऋषि सुनक मजबूत दावेदार बनकर उभरे, हालांकि उन्हें लिज ट्रस से मात मिली। वहीं 6 सितंबर को ट्रस प्रधानमंत्री बनी।
इसके बाद उनके फैसलों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। लगातार बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री बनने के महज 6 हफ्ते बाद ही ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा और सुनक नए नेता चुने गए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।